हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा, रिसेंटली कंप्लीटेड माई MBBS। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं नीट 2024 की आपके ऑफिशियल आंसर की NTA की तरफ से कब रिलीज़ हो सकती है। ऑफिशियल आंसर की के साथ में आपकी OMR शीट भी रिलीज़ होती है, वो कब आपकी रिलीज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर आप NTA की ऑफिशियल आंसर की के किसी आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो आपके पास उस आंसर को चैलेंज करने का भी मौका होता है। किस तरीके से आप चैलेंज करते हैं, क्या आपकी उसकी डेट हो सकती है, बोनस मार्क्स सिर्फ उसी को मिलते हैं जिसने चैलेंज किया या फिर सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप OMR शीट को किस तरीके से चैलेंज कर सकते हैं, NTA की तरफ से जो आपकी OMR शीट चेक करी गई है, अगर NTA ने कोई डिफरेंट रिस्पॉन्स कैप्चर कर लिया और आपने डिफरेंट भरा था, अगर आपको ऐसा लगता है तो OMR शीट भी आप चैलेंज कर सकते हैं। उसकी प्रोसेस क्या होती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑफिशियल आंसर की डेट, OMR जो आपकी रिलीज़ होने की डेट, चैलेंज किस तरीके से करोगे आप OMR और आंसर की को, उसकी डेट या फिर प्रोसेस, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा OMR शीट में काफ़ी सारे स्टूडेंट गलतियां कर देते हैं फिल करते टाइम, जैसे कि किसी स्टूडेंट को सेकंड ऑप्शन फिल करना था पर गलती से उससे डॉट हो गया थर्ड ऑप्शन में भी, तो अब उसका क्या होगा, क्या उसको मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे। किसी स्टूडेंट को फर्स्ट ऑप्शन फिल करना था, सेकेंड ऑप्शन में हल्की सी लाइन चल गई तो अब उसका क्या होगा, काफ़ी सारे डाउट्स हैं इस तरीके के भी, तो इनके बारे में भी डिटेल में बात करने वाले हैं। पर इन चीज़ों के बारे में बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप नीट 2025 या 2026 के एस्पिरेंट हैं, अगर आपने नीट 2024 का एग्जाम दिया था, 2024 के एग्जाम में किसी भी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, नीट 2025 के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप नीट प्रेप की तरफ से टारगेट बैच नीट 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको अनोटेड NCERT मिल जाती है जिसमें आपको लाइन वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाते हैं, किस लाइन से, किस स्पेसिफिक लाइन से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा आपको पर्सनलाइज DPP का ऑप्शन मिल जाएगा जिसमें आप कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है किसी स्पेसिफिक चैप्टर से, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से, तो वो कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस चैप्टर या टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो उस तरीके का फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको असेशन रीजन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो सिर्फ AR वाला फिल्टर लगा सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, आप किसी भी तरह के फिल्टर लगा के पर्सनलाइज DPP क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टूल्स होंगे जो आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाएंगे और नीट 2025 की जर्नी में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे जिससे कि आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे रैंक के साथ में क्रैक कर पाएँ। आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं मेन टॉपिक पे, नीट 2023 की मैं डेट्स बता देता हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओगे कि 2024 की आपकी डेट्स किस तरीके से हो सकती हैं। नीट 2023 की अगर मैं एग्ज़ाम की डेट बताऊँ तो 7 मई को, 7 मई को आपका एग्ज़ाम था। इसके बाद में OMR और आंसर की जो रिलीज़ होने की डेट थी वो 4 जून को हुई थी, दोनों एक साथ रिलीज़ हुई थी 4 जून के बाद में। इसके बाद में जो 2-3 दिन थे उसमें आपको OMR और आंसर की चैलेंज करने का मौका मिला था। अगर आपकी OMR और आंसर की में आपको कोई दिक्कत दिख रही है तो आप डेफिनेटली उसको चैलेंज कर सकते हैं। आंसर की चैलेंज करते टाइम आपको एक स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ती है, जितने क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे उतनी अमाउंट आपको पे करनी पड़ेगी। साथ में हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपके हिसाब से क्यों डिफरेंट आंसर होना चाहिए वो आपको बतानी पड़ती है, जिसमें आप अपना सोर्स ऐड कर सकते हो, इस सोर्स के हिसाब से ये दे रखा है कि यहाँ पे डिफरेंट आंसर होना चाहिए तो वो आप ऐड कर सकते हो। इसके बाद में जो रिजल्ट की डेट थी नीट 2023 की वो 13 जून थी। अब अपन बात करें नीट 2024 की, तो एग्ज़ाम की डेट 5 मई थी, ठीक है। 5 मई को आपका एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट की डेट NTA ने पहले अनाउंस कर दी है, 14 जून को रिजल्ट आपका नीट 2024 का आ जाएगा। अब बीच में जो प्रोसेस होने वाली है उसकी डेट क्या हो सकती है, OMR और आंसर की रिलीज़ होने की डेट आपकी हो सकती है 5 से 6 जून तक आपकी ऑफिशियल OMR और ऑफिशियल आंसर की रिलीज हो सकती है। OMR शीट के साथ में आपके रिस्पॉन्स भी आते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स इस तरीके से कि आपने जैसे पहले क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन फिल करा तो ये तो आपको OMR की पूरी कॉपी तो मिलेगी मिलेगी वहाँ पे वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद में। साथ में रिस्पॉन्स इस तरीके से आएगा कि फर्स्ट ऑप्शन में आपने सेकंड फिल करा और जो सॉफ्टवेयर है उसने मान लिया कि आपने सेकंड फिल करा, सेकंड ऑप्शन में थर्ड, थर्ड ऑप्शन में फर्स्ट, इस तरीके से आपका रिस्पॉन्स भी आएगा। ये ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है कि OMR में क्या फिल करा है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ जगह आपकी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था और लास्ट में भी बताऊँगा उसमें क्या होता है, क्वेश्चन के मार्क्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो ये वाली चीज़ आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर ने क्या माना, रिजल्ट आपका इसी हिसाब से आने वाला है, ठीक है। तो आपका ये OMR शीट की के साथ में OMR शीट के रिस्पॉन्स ये आपके रिलीज़ हो सकते हैं 5 से 6 जून के बीच में आपके रिलीज़ हो सकते हैं। इसके बाद में अगले कुछ 2-3 दिन जैसे 7-8 जून तक आपको मौका मिल सकता है आंसर की और OMR चैलेंज करने का। आंसर की
और OMR चैलेंज की अगर मैं बात करूं तो OMR चैलेंज आपका एक्सेप्ट होता है तो डेफिनेटली इंडिविजुअल के लिए। अगर आपको OMR में कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि आपका डिफरेंट ऑप्शन कैप्चर करा है सॉफ्टवेयर ने, जो आपने फिल करा था उससे डिफरेंट कैप्चर करा है, तो वो आप इंडिविजुअल लेवल पे चैलेंज कर सकते हो। आंसर की चैलेंज करी और मान लो वो INTA ने आंसर चेंज कर दिया है, बोनस कर दिया, तो उस सिचुएशन में वो आंसर सभी के लिए चेंज होगा, बोनस अगर मिलता है तो सभी को मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को मिल जाएगा। इसके बाद में रिजल्ट आपका 14th of June को आएगा, रिवाइज्ड आंसर की आएगी वो आपको 14th of June को ही आएगी रिजल्ट के साथ। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी ऑफिशियल आंसर की आई फिर चैलेंज करा आपने, उसके बाद में NTA ने अगर कोई क्वेश्चन चेंज करा तो कर दिया और साथ में पहले ही रिजल्ट से आपसे अनाउंस कर रहे हैं कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की ये है, ऐसा नहीं होगा। रिजल्ट के साथ ही आती है, रिजल्ट के कुछ अगले दिन आ जाती है कभी कभार, पर आपके रिजल्ट के बाद ही आती है, रिजल्ट के साथ ही आती है रिवाइज्ड आंसर की। तो इस तरीके से हो सकता है। अब OMR में मिस्टेक बच्चों ने करी है उसका क्या हो सकता है, अगर आपने दो फिल कर दिए तो डेफिनेटली आपको -1 मिलने वाला है, क्वेश्चन आपका गलत काउंट होगा। अगर आपने इस तरीके से फिल करा है, अगर आप मान लीजिए कि एक ऑप्शन ये वाला सही है और आपने इसको सही फिल कर दिया पूरा, पर गलती से आपसे पेन चल गया और डॉट हो गया हल्का सा किसी अदर ऑप्शन में, तो ऐसे में देखो टोटली आपकी किस्मत पे बेस्ड होता है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और पिछले कुछ सालों में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो उन्होंने बताया उनके एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ये आपका टोटली लक पे बेस्ड होता है। अगर सॉफ्टवेयर इसको कैप्चर कर लेता है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉफ्टवेयर कैप्चर नहीं कर पाता तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने खुद ने नीट 2018 में इस तरीके से मेरे से गलती हो गई थी, पर मेरा ये क्वेश्चन सही काउंट हुआ था। और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो पिछले कुछ सालों में भेजते हैं उनके OMR शीट में स्टार आ जाता है, स्टार मतलब आपने दो ऑप्शन में ऑप्शन फिल कर रखा है, इस तरीके का आ जाता है, सॉफ्टवेयर उसको कैच कर लेता है, तो टोटली लक पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये टोटली आपका लक पे बेस्ड हो गया। इसके बाद में आपके स्कोर आ जाएगा, मार्क्स आपको पता लग जाएंगे, तो काउंसलिंग आपकी जब स्टार्ट होगी तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतें सामना करना पड़ेंगी काउंसलिंग में, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग होती है। ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की काउंसलिंग अलग अलग होती है, इसके लिए आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल और इफेक्टिव काउंसलिंग प्रोग्राम है। ये ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट आपका फ़ोनपे जीपे पेटीएम सेम नंबर पर रहेगा, ठीक है। इस नंबर पे आप पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पे व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर करने के बाद में पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल कर पाएंगे। आपको क्या क्या हेल्प होने वाली है पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में मैं आपको बता देता हूँ। प्लान वन में आपको क्या क्या मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, बॉन्ड की PDF मिलेगी, हर कॉलेज की किस तरीके से बॉन्ड है हर कॉलेज में वो आपको पता चलेगा, कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज कितना पुराना है वो सब आपको पता चलेगा, आपके स्टेट में जहाँ पे आप MBBS में एडमिशन लेने वाले हो उस स्टेट में PG की कितनी सीट है, क्योंकि आगे जाके 50% स्टेट कोटा आपको उसी स्टेट में मिलता है PG में जहाँ से आपने MBBS की होती है। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ पता चलेगी ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की हर कैटेगरी की हर कॉलेज की, जिससे आपको अंदाज़ा लग पाए आपको कहाँ पे कॉलेज मिल सकता है, किस राउंड में मिल सकता है। और मेन इंपॉर्टेंट जो फीचर है जो आपको इस प्राइस पे कहीं नहीं मिल सकता वो है 24/7 व्हाट्सअप असिस्टेंट, आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक व्हाट्सअप असिस्टेंट मिलेगी, जिससे कि आपको जो डिजर्विंग कॉलेज है अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट कॉलेज मिल पाए। इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग में, आपको कहाँ कॉलेज लेना है, कौन से राउंड में कॉलेज लेना है, कहाँ पर रिपोर्ट करनी है, कहाँ पर फ्री एग्जिट लेना है, काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, वो सारी डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प कर दी जाएगी। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप होगा एक कॉमन, उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, टाइम टू टाइम आपको सारे नोटिफिकेशन और अपडेट उस व्हाट्सअप ग्रुप में मिलते रहेंगे। जो स्टूडेंट प्लान टू लेना चाहते हैं उनको प्लान वन के जो फीचर्स बताए वो मिलेंगे मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं जो पिछले साल ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट ने ज्वाइन करा था, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं। याद रखिएगा व्हाट्सअप पे मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल करोगे तो अटेंड कर पाना, इतने सारे कॉल एक दिन में पॉसिबल नहीं हो पाता। अगर आप प्लान टू ज्वाइन करते हो तो आपको डिफरेंट नंबर आपको हमारी तरफ से बता दिया जाएगा जिसमें आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको अपने मार्क्स के हिसाब से डिजर्विंग कॉलेज मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।